देश के जाने माने आलोचक और साहित्यकार नामवर सिंह ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गए हैं। मंगलवार को एम्स ट्रामा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया। सोमवार रात बेड से गिरने के कारण उनके मस्तिष्क में चोट लगी थी और इससे उनके मस्तिष्क में खून का थोड़ा थक्का जम गया। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार बताया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि नामवर सिंह दक्षिणी दिल्ली में अलकनंदा अपार्टमेंट में रहते थे। परिवार के अनुसार रात में खाना खाने के बाद वे सो रहे थे और रात करीब 2 बजे बेड से गिर पड़े। उन्हें तत्काल नज़दीकी निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहां सीटी स्कैन में पता चला कि मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया है। बाद में उन्हें बेहतर इलाज के लिए मंगलवार को एम्स में भर्ती कराया गया और वहां पर डॉक्टरों द्वारा उनकी कई जाँचें की गई। परिवार के सदस्यों के अनुसार वे अब ठीक हैं और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। कुल मिलाकर नामवर सिंह की ब्रेन हेमरेज की खबर से हिंदी साहित्य जगत में बेहद चर्चाएं चल रही हैं और सभी उनके स्वास्थ्य के लिए दुआएं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।